तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 3-बिट काउंटर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2-बिट काउंटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3-बिट असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस को ऑल्सो आप क्या बोलते हो? रिपल। तो हम पढ़ रहे हैं 3-बिट रिपल काउंटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 3-बिट है ये, ठीक है ना। 3-बिट का मतलब क्या हुआ? ये 3-बिट को स्टोर करेगा। ओके, और 3-बिट को स्टोर करेगा तो इसका मतलब इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको? इसमें आपको 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ओके, तो यू विल मेक ठीक है। अच्छा, एक बात और, 3-बिट रिपल काउंटर को आप और क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो मोड 8 काउंटर, मोड 8 रिपल काउंटर। मोड क्या होता था आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, मोड क्या होता है? 2 की पावर n, ठीक है ना। तो 2 की पावर n मतलब क्या हुआ? n इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 की पावर 3, मतलब मोड 8 रिपल काउंटर ये है। ओके, तो इसमें आपको 3 फ्लिप फ्लॉप की नीड है और हम जेके फ्लिप फ्लॉप से ही हम इसे डिज़ाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए JK, ठीक है। और सभी इनपुट्स को हम क्या देते हैं? हाई, क्योंकि हम काउंटर में फ्लिप फ्लॉप की टॉगल कंडीशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को हम देंगे हाई इनपुट। नेक्स्ट थिंग इज दैट इसमें हम दे रहे हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ऑफ क्लॉक पल्स। पहले फ्लिप फ्लॉप को हम एक्सटर्नल क्लॉक देंगे और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को हम क्या देंगे? इसका जो आउटपुट है पहली वाली का, पहली वाली फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्लॉक पल्स होगी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए। और इसका आउटपुट क्या होगा? Q1, ये होगा Q1 बार, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी Q1, ये Q1 बार, यहाँ पे भी क्या होगा? Q1, ये Q1 बार, ठीक है। अब दूसरी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है नॉर्मल आउटपुट, वो क्या होगा? क्लॉक पल्स फॉर थर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। इसे आप A कह दीजिए, इसे B, इसे सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 3-बिट असिंक्रोनस रिपल काउंटर में मोड क्या बताया था मैंने आपको? इट नोट्स नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच अ काउंटर पासिस। तो मैक्सिमम स्टेट होती है, तो इसमें इसमें कितनी स्टेट होंगी? 2 की पावर n स्टेट्स, n स्टेट होंगी। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, मतलब 8 यहाँ पे स्टेट होंगी। 8 स्टेट का मतलब कितना हुआ? इसमें जो स्टेट होंगी, अभी हम ऐसे रिव्यू देख लेते हैं पहले कि क्या होने वाला है। इसमें जो स्टेट होंगी वो 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो 000 से 111 तक 8 स्टेट्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लॉक पल्स दी, ठीक है। क्लॉक पल्स आपने दिए, ये सिंक्रोनस काउंटर है तो हम इसे क्लॉक पल्स देने का मेथड यही रहेगा। तो पहले फ्लिप फ्लॉप को आपने जैसे ही क्लॉक पल्स दी, मतलब हमने ये क्लॉक पल्स दी है, क्लॉक पल्स इज वॉट? इट इज़ अ सिग्नल विच ऑसिलेट्स बिटवीन लो एंड हाई, ठीक है। ये ऑसिलेट करता रहता हाई एंड लो के बीच में, ओके। और ये जो क्लॉक पल्स है ये एक्सटर्नली जनरेट की जाती है, जैसे 8 to 8 4 क्लॉक जनरेटर होता है उसके थ्रू यदि जनरेट की जा रही है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो और आप जैसे किट लोगे, किट देखते हो, तो किट में क्या होता है? सब इनबिल्ट होता है, ओके। तो इनबिल्ट में यही सब होता है कि क्लॉक अंदर से यहाँ पे इस तरह से दी जा रही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है और ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। और हम किस पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव को हम बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया है और हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से,
ठीक है। अब देखिए, ये आपको बताया था मैंने, ये क्या होता है, LSB, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप LSB होता है और लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप MSB होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसका आउटपुट आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉक पल्स सबसे पहले दी जा रही है और यहाँ पे आपका हाई है, तो हाई जब है और इनिशियली हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं रीसेट है, मतलब ये लो पर है, तो हम आउटपुट आ रहा है सबसे पहले चाहिए QA मान लीजिए, ये QA है, ये QB, क्योंकि बी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, और ये QC लाइक दिस, ये QB बार और ये QC बार और ये QA बार। तो देखिए QA क्या आएगा, आपने जब क्लॉक पल्स दी हाई है तो फ्लिप फ्लॉप क्या रिस्पॉन्स करेगी, ये टॉगल करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट 1-1 दिया गया है JK इनपुट्स को, ठीक है। तो 0 से क्या हो जाएगा, QA 0 से हाई हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, कहाँ पे? नेगेटिव एस ट्रिगरिंग, ये नेगेटिव एस ट्रिगरिंग है, इस पे ये लो से हाई हो जाएगा। ये कब तक हाई दे रहेगा? जब तक दूसरी नेगेटिव एस ट्रिगरिंग नहीं दी जा रही, जैसे ही दूसरी नेगेटिव एस ट्रिगरिंग दी वैसे ये हाई से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो आपका कॉन्टिन्यूस दिया जा रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया है इनपुट्स में, JK इनपुट्स में, ठीक है। फिर से नेगेटिव एस ट्रिगरिंग आई, अब ये फिर से चेंज हो जाएगा, लो से हाई हो जाएगा, और ये इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या चेंज हुआ है, मतलब पहली वाली सिग्नल से दूसरा सिग्नल में क्या चेंज हुआ है, बता सकता है कोई कि क्या चेंज हुआ होगा? यहाँ पे देखिए, ये जो सिग्नल है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज अ पीरियड इन विच सिग्नल रिपीट्स इट्सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक टाइम पीरियड है इसका, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद फिर से वो रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा एक टाइम पीरियड है, ठीक है। इसका रिवर्स, इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रिक्वेंसी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, ये देखिए, ये टाइम पीरियड इसका है और इसका टाइम पीरियड क्या है, ये पूरा इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड यहाँ से देखिए, इसका टाइम पीरियड ये है ना, इसका टाइम पीरियड यहाँ तक है और इसका टाइम पीरियड इसके कंपैरिजन में यहाँ तक है। इसका टाइम पीरियड क्या है, ये है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, इसके कंपैरिजन में यहाँ तक, ये है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, इसमें इसका टाइम पीरियड डबल हो गया, सेकंड सिग्नल का टाइम पीरियड क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ये यहाँ तक रिपीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड जो है और इसका टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसका टाइम पीरियड यदि यदि आपका 2 सेकेंड है तो इसका आपको दिख रहा है 4 सेकेंड है, डबल हो गया है टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड डबल हो गया है तो मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड इसका यदि TA है तो इसका कितना हो गया, 2TA। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्वेंसी यदि इसकी FA है तो फ्रिक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, FA/2, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जस्ट रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इस वाली फ्रिक्वेंसी की आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली फ्लिप फ्लॉप क्या कर रही है, जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी है इस सिग्नल की, सिग्नल ये दिया हुआ है इनपुट पर, तो इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हाफ कर दे रही है। तो ये क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप क्या कर रही है, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर रही है by 2, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि काउंटर, काउंटर क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिवीजन के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, यदि यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे F/2 आएगी फ्रिक्वेंसी, ओके ओके। अब देखिए, अब हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, बी फ्लिप फ्लॉप को। बी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इसमें आपने हाई इनपुट दिया हुआ है, लेकिन ये अब कब रिस्पॉन्ड करेगा, जब पहले वाला का आउटपुट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले वाला का आउटपुट क्या है, क्लॉक पल्स है। तो यहाँ पे क्लॉक पल्स की नेगेटिव एस ट्रिगरिंग हम ढूंढेंगे, ये वाली होगी, ये आपका अप है और ये आपका डाउन है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये अप है, यानी कि ये वाली क्या है, पॉजिटिव एस ट्रिगरिंग है, और ये वाली नेगेटिव, हम तो नेगेटिव से कर रहे हैं काम, तो नेगेटिव को लेंगे हम, इस तरह से इसमें ये वाली है, ठीक है। अब देखिए, नेगेटिव एस ट्रिगरिंग सबसे पहले क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर इन रीसेट स्टेट, तो ये रीसेट स्टेट में है,
ठीक है, कब तक रीसेट रहेगी? जब तक इसको नेगेटिव एस ट्रिगरिंग नहीं मिल रही, तो ये नेगेटिव एस ट्रिगरिंग तक रीसेट रहेगी। ओके, इस वाली आउटपुट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स है। तो नेगेटिव एस ट्रिगरिंग आई, अब इसका आउटपुट किसका, क्यू बी, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो जाएगा, और वो क्या बनेगा, लो से क्या हो जाएगा, हाई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एस ट्रिगरिंग है और इनपुट्स क्या है, हाई है, वन वन है, तो टॉगल होगा, तो जीरो से क्या हो जाएगा, वन। और ये वन कब तक रहेगा, जब तक दूसरी ट्रिगरिंग नहीं आ जाती। जैसे ही दूसरी ट्रिगरिंग आई, वैसे ही हाई से क्या हो जाएगा, लो, फिर दूसरी ट्रिगरिंग आएगी, फिर लो से हाई, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये आपका आ गया क्यू बी। ओके, अब देखिए ये फ्रिक्वेंसी आपकी क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी क्या बता सकते हैं आप इसको, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, ये मैं हटा देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है वरना ये। टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड डबल था और ये फोर टाइम्स हो जाएगा। यदि इसका टाइम पीरियड टी ए है, यहाँ पे टू टी ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर टी ए। टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, इतना हो गया, देख रहे हो, यहाँ पे टाइम पीरियड इतना था, यहाँ पे टाइम पीरियड इतना हुआ, यहाँ पे टाइम पीरियड इतना हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, फोर टाइम्स। ओके, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी यदि एफ ए है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एफ ए बाई टू हो जाएगी, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एफ ए बाई फोर हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी एफ बाई फोर मिल रही है। एफ क्या है, इनपुट फ्रिक्वेंसी, तो एफ बाई फोर हमें आउटपुट में, सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में फ्रिक्वेंसी एफ बाई फोर मिल रही है। क्यों भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से कैसे इसका आउटपुट आया है। अब हम देखते हैं थर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, यहाँ तक तो हमने टू बिट काउंटर में किया ही था। ओके, अब थर्ड थ्री बिट काउंटर में बस डिफरेंस क्या हुआ है, एक फ्लिप फ्लॉप और आ गई है और एक आउटपुट और आएगा। तो किस पे आउटपुट देगा ये क्यूसी, सेकंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप कब ऑपरेट करेगी, जब क्लॉक पल्स मिलेगी और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ऑल फ्लिप फ्लॉप आर इन रीसेट स्टेट लाइक दिस, रीसेट रहेगी कब तक, जब तक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग नहीं मिल रही। जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, दिस इज आउटपुट ऑफ क्यूसी, जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगी, वैसे ही आउटपुट चेंज हो जाएगा लो से हाई। हाई रहेगा कब तक रहेगा, जब तक नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिल जाती। तो ये आपका क्यूसी आ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, वरना आपको टाइम पीरियड समझ में नहीं आ पाएगा। इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये अब सही हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, ये था टाइम पीरियड इसका, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका टाइम पीरियड आपका पूरा आगे तक देखें तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड इसका आपका फिर से डबल हो गया, मतलब इसका एट टाइम्स हो गया, यानी कि इसका ये टी ए है, यहाँ पे टू टी ए था, यहाँ पे फोर टी ए था, यहाँ पे एट टी ए हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या थी, यदि एफ ए थी तो यहाँ पे एफ ए बाई टू हो जाएगी, और यहाँ पे एफ ए बाई फोर, और यहाँ पे एफ ए बाई एट। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या मिल रही है, एफ बाई एट। ओके, तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी यदि यहाँ पे इनपुट फ्रिक्वेंसी एफ है, तो आउटपुट में फ्रिक्वेंसी एफ बाई एट मिल रही है, मतलब एफ बाई टू की पावर एन हो रहा है, जितना मोड है टू की पावर एन हो रहा है, एफ बाई एट मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस काउंटर को आप और क्या कहते हो, डिवाइड बाई एट काउंटर, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी को एट से डिवाइड कर रहा है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी को। अब देखिए ये क्यूसी आ गया, अब इसकी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ये है, इससे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमें इसका आगे तो नहीं करना, क्योंकि ये तो थ्री बिट है, यहाँ पे फिनिश हो गया है ये। ठीक है, अब हम इसमें नंबरिंग करते हैं, कैसे करेंगे, ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो सबसे पहले जीरो जीरो जीरो, फिर ये लो है, ये लो है, ये हाई हो गया, तो वन, फिर ये लो है जीरो, फिर ये हाई, फिर ये लो,
लो पे 0 रखोगे, हाई पे 1 रखोगे, फिर ये लो है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर 1 0 0, देन 1 0 1, देन 1 1 0। बहुत ध्यान से आपको करना होगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वेवफॉर्म से आप इसमें वैल्यूज रख सकते हैं। और यहाँ पे 1 1 1, अगेन 0 0 0। तो ये देख रहे हैं आप, ये 0 0 0 से स्टार्ट किया था और फाइनली यहाँ तक इसका ऑपरेशन चला है, और फिर इसका अपना ये पुरानी स्टेट पे आ गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी स्टेट में पास हुआ है, ये 8 स्टेट्स में पास हुआ है, ठीक है ना। 0 0 0 से स्टार्ट होके 1 1 1 तक 8 स्टेट्स में पास हुआ है, ठीक है। तो 8 स्टेट्स इसलिए से मोड 8 कहते हैं, क्योंकि इसमें काउंटर अपनी स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट होकर आपका 1 1 1 तक जा रहा है, और बिफोर रिटर्निंग टू द प्रीवियस स्टेज, मतलब प्रीवियस 0 0 0 से पहले 1 1 1 तक जा रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मोड 8 काउंटर, ठीक है। अब इसका आप टाइमिंग डायग्राम अच्छी तरह से बना लीजिए, ये वाला वेवफॉर्म डायग्राम, और हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो इसका जो स्टेट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, 0 0 0 से स्टार्ट किया था और फिर कहाँ गया, 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, देन 1 0 1, देन 1 1 0, देन 1 1 1, एंड देन अगेन 0 0 0 पे। तो ये डायग्राम भी आप बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गए, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, 1 1 1 पर, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया 3-बिट काउंटर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने वर्ड्स में, आप उसे कॉपी में इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम्स, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के प्रिंसिपल को भी आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ओके। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न का प्रिंसिपल आप फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। काउंटर बना के कोई भी आप चाहे 1-बिट बना दो, चाहे 2-बिट बना दो, चाहे 3-बिट बना दो, तो उससे आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न का प्रिंसिपल का यूज़ हो जाएगा। थैंक यू।